वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा सूप तैयार हम करने वाले हैं, जिसके लिए हाफ के जी हमने चिकन ले लिया है और इसके लिए हमने कैरेट हमने लिए, गाजर, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, 3 टेबल स्पून के करीब नमक, नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके अलावा रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ज़ीरा और ब्लेंडेड करके एक एग हमने ले लिया है। यहाँ पे तमाम मसाले हम शामिल कर लेंगे। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब यखनी हम तैयार करते हैं। इसकी यखनी के लिए मैंने तकरीबन 1.5 जग के करीब जो है पानी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपने उस हिसाब से जो है पानी की मकदार को बढ़ा देना है। सर्दियों में सूप हो गया, यखनी हो गई, गर्म हलवे हो गए, तो ये इतनी मज़े की लगती हैं चीज़ें और खाने का इनका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो अगर आप इन सर्दियों में कोई रेसिपी बनाते हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, अपनी रेसिपी बताएं कि आप लोग क्या बनाते हैं, कमेंट आप करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 8 जवे मैंने डाले हैं और साथ ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, ये सारे मसाले मैंने यहाँ पर शामिल कर देने हैं क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं पहले, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए उसके अंदर मसालों में और उसके अंदर से जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसे यहाँ पे चम्मच आपने चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को और इसको ढक के रख देना पकने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लिए आपने इसको पकाना है। और साथ में यहाँ पर मैं बॉयल एग कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप बेशक से अंडा बॉयल करके ना रखें, लेकिन अच्छा लगता है सूप के साथ, तो हमने इसको बॉयल कर लिया। तो यहाँ यखनी हमारी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। चिकन जो है ऑलमोस्ट हमारा गल चुका है, नरम हो गया, तो अब इसके रेशे करने का टाइम आ रहा है। तो मैं अब इसको जो है एक छन्नी में छान लूँगी, चिकन निकाल लूँगी बाहर और दालचीनी भी बाहर निकाल लूँगी साथ ही, क्योंकि उसका काम सिर्फ एक खुशबू पैदा करने का था, तो वो अब यहाँ पर हो चुका है। अब मैं चिकन के रेशे यहाँ पे बना लेती हूँ। गरम गरम चिकन को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से चिकन के रेशे निकल आते हैं, नहीं तो ठंडे होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म का चिकन जो है हमारा वो अलग हो गया। बोटियों से मैंने इनको बिल्कुल रेशा रेशा कर दिया है और ये सूप में अब हम इसको शामिल करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है ना हमारे सूप का तैयार होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट भी लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर अब हम जो है वो गाजरें, जो हमने 1 कप के करीब गाजर है वो मैंने शामिल कर ली है। अगर आपको और सब्ज़ियाँ पसंद हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल सूप बना रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैं अदर वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल नहीं की। तो यहाँ पर हम सिरका, सोया सॉस, ब्लैक सॉस, रेड चिली सॉस ये ऐड कर देंगे और साथ ही अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ठीक था हमारे टेस्ट के हिसाब से तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया। तो चिकन अब इसमें हम शामिल कर देंगे, जो कि बिल्कुल रेशा रेशा हमने करके तैयार कर लिया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और धुआं भी आपको नज़र आ रहा है कि उठ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू है और बहुत ही मज़ेदार सूप तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम अंडा जो है वो एक, जो कि हमने जर्दी और सफ़ेदी मिक्स करके रखा हुआ था, इसको हमने इसके अंदर शामिल कर लिया और अच्छे से चम्मच चला लेना है इसको, ताकि अंडा भी अच्छे से इसमें पक जाए। और एक प्याली में आपने लेना है कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून के करीब आप ले लें। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ थिकनेस पैदा करना है, तो इसलिए हम कॉर्नफ्लोर यहाँ पर यूज़ करेंगे। थोड़े से पानी में हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सारा कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स होना चाहिए। तो अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसको सूप के अंदर हम ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और उसके बाद सूप के अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसको शामिल कर देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा सूप सर्दियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिन लोगों का गला ख़राब हो या ज़ुकाम का मसला हो तो वो लोग भी सूप पिएँ घर बनाकर। बहुत ही अच्छा और फ्रेश सूप आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, सारी चीज़ें बहुत ही सेहत बख्श हैं, ज़रूर इसे ट्राई करें। तो यह थिकनेस आना शुरू हो गया और सूप हमारा रेडी है, तो मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूप पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो जिस सूप को अब मैंने निकाल लिया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, और चिकन अच्छे से हमारा रेशा रेशा हुआ हुआ था, और यहाँ पर अंडा जो हमने बॉईल किया तो इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे और इसको आप सर्व करेंगे सिरके में जो हमें रेड ग्रीन चिलीज जो थी उनके साथ, और साथ ही आप जो हैं सोया सॉस और ब्लैक सॉस भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा पसंद करे तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जो कम वो कम। और ये ग्रीन चिलीज जो है ना सिरके में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं सूप में, तो आपने इसको ज़रूर साथ रखना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।